नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाना है हमें अपने गूगल ब्राउज़र पे, जहाँ हमें लिखना है PMAY और इसे हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको पहले वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हमें सेकंड नंबर पे क्लिक करना है, इसके ऊपर हम दो बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास हो। जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे डाल देना है आपको आधार नंबर। आधार नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे अपना नाम जो अपने आपके आधार कार्ड में होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया है। डालने के बाद हम आ जाएंगे नीचे। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके चेक के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भर लेना है। जो जो यहाँ पे ऑप्शन है आपको वो अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भर देना है। इस फॉर्म में आपको दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, पैन कार्ड और आधार कार्ड का। उसके बाद फिल करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे नीचे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम सेव के पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको एक आईडी मिल जाएगी, एक वेस्ट आईडी, जिससे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आपने पहले ही अप्लाई कर रखा है तो लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें।